रहा है तो थोड़ी वो सामने देख और पूरा फुल एंजॉय किया। हेलो दोस्तों, आज है दिन शनिवार, तो ऑब्वियसली दिन है मस्ती का। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी गाड़ी लेके मस्ती करने नोएडा में। तो देखते हैं आज हम कहाँ घूमेंगे। दोस्तों ये है अभिलाष, इसको मैंने पिक कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं तीसरे दोस्त को लेने। आज मैं आ गया हूँ तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ज्यादा होगा चैनल पे इसके, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी ये तीसरे दोस्त को मैंने पिक कर लिया है, ये है आशीष। अब देखते हैं, हम प्लान बना रहे हैं कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हारा ये डिसाइड नहीं हो रहा है खाना खाना है कि घूमने जाना है। पहले ये हमेशा भूखा ही रहता है, इसको हमेशा खाने को चाहिए होता है। तो मैं जगह ढूंढ रहा हूँ खाने की। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं नेशनल साइंस म्यूजियम में। 60 रुपए की 3 जनों की टिकट आई है। जनरल एंट्री है आपकी 210 रुपए की, और एक हमने शो की भी ली है 150 रुपए की। ये देखिए दोस्तों, आज हम आए हैं पेयर्ड एंड टर्फ में। ये आपका दिल्ली में महात्मा गांधी मार्ग के पास में पड़ता है। हाँ, हम 3 ही जने थे तो हमने छोटा वाला नेट, प्रैक्टिस वाला नेट लिया है। ये हमें 750 रुपीज़ पर आवर के बेसिस पे पड़ गया है। अगर आप ज़्यादा जने हैं तो आप 7 वाले जो बड़े नेट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। वो आपको 1500 से 2000 के अराउंड के बीच में आवरली बेसिस पे मिल जाएंगे। और इस स्टफ का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और प्लीज़ जो बड़ा वाला टर्फ है वो आप पहले ही एडवांस बुकिंग करवा लें, क्योंकि वो पहले से ही बुक्ड रहता है वीकेंड्स पे। तो और सुबह मॉर्निंग में हम आज नेशनल साइंस म्यूजियम गए थे, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वीडियो भी ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो भी दिल्ली में ही आपका पड़ता है, प्रगति मैदान के साथ में। हम आ गए वापस जिस पे हम ही हैं हमेशा, ये सब इनको तो प्रैक्टिस कराने लाते हैं। रिमेंबर द नेम। हम बंद करते हैं, हमारा टाइम हो गया पूरा खेलने का। तो आपको अब नई लोकेशन पे कहीं मिलते हैं, तब तक बने रहिए। ब्राजील ने इसलिए जीत दिया, नहीं तो मैं ही जीता हूँ आगे की मैच। स्टे ट्यून एंड बने रहे इस चैनल पे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए। बाकी भाई का भी चैनल है तो इनका चैनल भी मैं रेकमेंड करूँगा, इनका चैनल भी जरूर देखें, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं ये भी, फनी।